हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू, बोले तो एकदम बिंदास। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है अकाउंटिंग वाउचर। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है सर, ये बताओ। तो बेटा देखो, एक्चुअल में क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, बट वो कॉन्सेप्ट शायद आपके 11th में नहीं है, बट ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसे बोलते हैं वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ट्रांजेक्शन और इवेंट, मतलब ट्रांजेक्शन और इवेंट, जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी इवेंट तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब जो भी एक्टिविटी तुम अपने खातों में, याद है ना, ट्रांजेक्शन दो होती थी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल तो रिकॉर्ड ही नहीं होती, बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। तो तुम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को या इवेंट को जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो मस्ट बी वेरीफाइड। वो ट्रांजेक्शन और इवेंट वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी वेरीफाइड, वेरीफाइड होने चाहिए। मतलब एक तरीके से वो ट्रांजेक्शन वो इवेंट हुए हैं उसको हम साबित कर सके, उसको हम साबित कर सके। जैसे कि अगर तुमने अपने रेंट पे करा है या सैलरी पे करी है, तो ये खर्चा करा है, तो आप इस खर्चे को साबित कर सको, क्या कर सको, साबित कर सको, तो मस्ट बी वेरीफाइड। तो साबित करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए, एक सबूत होना चाहिए, एविडेंस। क्लियर ही नहीं है? एविडेंस, एक पुख्ता सबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबूत होना जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि अकाउंट के अंदर उन्हीं ट्रांजेक्शंस को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो जिनके लिए तुम पे क्या है, एविडेंस है, जिनका तुम पे एविडेंस है, सबूत है, तुम उन्हें ही रिकॉर्ड कर सकते हो। या वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। ठीक है ना, हर ट्रांजेक्शन या इवेंट वो एक एविडेंस के द्वारा सपोर्ट की जा गई हो। जैसे कि अगर तुमने अपने ऑफिस में एसी लगवाया है, तो उसका सबूत क्या है, उस एसी का बिल होगा हमारे पास। अगर तुमने मुझे फीस पे करी है, तो उस फीस की पर्ची रिसिप्ट मिली होगी तुम्हें। क्लियर ही नहीं है सर? अभी तक तो आपने एक भी रिसिप्ट नहीं दी हमको। तो बेटा रिसिप्ट दी नहीं दी वो बात अलग है, लेकिन कटी हुई अगर आप मांगोगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या है मेरे बेटा जी, अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे वो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, एक सबूत होना जरूरी है। बिना सबूत के अकाउंट उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब अगर तुम जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे अकाउंट में, सबके बीच होना चाहिए एक वेरीफाइड एविडेंस होना जरूरी होता है। तो इसी हम बोलते हैं, इसी एविडेंस को हम बोल देते हैं वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, वाउचर। तो वाउचर कुछ और नहीं होता, वाउचर एक एविडेंस होता है जो किसी भी ट्रांजेक्शन के होने का एक सबूत है कि हाँ वो ट्रांजेक्शन हुई है, इसे हम वाउचर कहते हैं। वाउचर मेरे बेटा दो तरीके के होते हैं, वाउचर जो होते हैं वो दो तरीके के देखने को मिलेंगे, ये बता के चल रहा हूं। वाउचर, वाउचर दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है तुम्हारा सोर्स वाउचर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर ये सोर्स डॉक्यूमेंट, और एक होता है तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर, एक होता है तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर, एक होता है तुम्हारा सोर्स वाउचर, एक होता है तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर, एक होता है तुम्हारा सोर्स वाउचर, एक होता है तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर। तुम्हारे मन में पैदा होगा कि सर ये सोर्स वाउचर क्या होता है? तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, कहते जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जब भी हम कौन है, बिजनेस, जब भी कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उस ट्रांजेक्शन का एक एक एविडेंस,
बन जाता है, एक वाउचर क्रिएट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, सोर्स वाउचर बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं, तो जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल से बात करके चलता हूँ कि अगर मैं बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जा रहा हूँ, सुन रहे ना, अगर मैं बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हो, कैश जमा कराते हो ना, तो आप एक पर्ची भरते हो, एक लंबी सी पर्ची होती है। कभी किसी ने अगर पैसा जमा कराया होगा तो उन्हें पता होगा, जब भी तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो बैंक में एक लंबी सी पर्ची होती है। उस पर्ची के ना दो पार्ट होते हैं, एक इतना सा छोटा सा पार्ट होता है, एक लंबा पार्ट होता है, ठीक है ना, एक छोटा सा होता है, एक लंबा पार्ट होता है, क्लियर ही नहीं है। उस पर्ची के नाम होता है पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, हमें से पेन स्लिप। अब ऑब्वियस बात, ये सोर्स वाउचर है मेरे बेटा जी, सोर्स वाउचर। तुम अगर बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो उस पर्ची को लोगे, उस पर्ची पे खाता धारक का नाम, जिसके खाते में तुम पैसा जमा करा उसका नाम, उसकी अमाउंट, उसकी खाता संख्या, सिग्नेचर, कौन कौन से नोट, 2000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, 10 के कितने नोट है, वो काउंटिंग भी लिखते हैं इवन उसके अंदर। और फिर दो बार भरा जाता है, दो जगह अलग अलग, खाता खाते धारक का नाम इधर भी, मतलब छोटे वाले पार्ट पर भी और बड़े वाले पार्ट पर भी, क्लियर ही नहीं है। अकाउंट नंबर दोनों तरफ होता है, सिग्नेचर दोनों तरफ होते हैं, अमाउंट दोनों तरफ होती है, बस थोड़ी डिटेल यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ वर्ड्स में भी लिखा जाता है और यहाँ नोट भी बताया जाता है कि नोट कौन कौन से दे रहे हैं, कितने कितने नोट दे रहे हैं, क्लियर ही नहीं है। ये बड़ी वाली जो स्लिप होती है ना, ये फाड़ के बैंक वाला अपने पास रख लेता है, और छोटी वाली स्लिप पे मोहर मार के साइन करके जो बैंक का कैशियर होता है वो हमें दे देता है। तो हमारे पास वो पर्ची क्या है, वो पर्ची एक सबूत का काम कर रही है कि मैंने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया है, क्लियर ही नहीं है। और अगर मैंने बैंक के अंदर अपने पैसा जमा करवाया है तो ऑब्वियस ही बात है मेरे बैंक में जब पैसा आ जाएगा, मतलब मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि भैया मैंने इस तारीख को पैसा जमा कराया है, क्या बैंक वालों ने इस तारीख में मेरे पैसा चढ़ाया है, तो बैंक वाले हमें क्या देते हैं, पासबुक देते हैं, तो पासबुक चेक कर लो, हाँ, ये देखो मैंने ना 16 तारीख के अंदर ये पैसा जमा कराया था, स्लिप ये रही, और 16 तारीख में बैंक ने मेरे खाते में भी दिखा रखा था पासबुक के अंदर। तो ये क्या है, ये सोर्स वाउचर है मेरे बेटा, क्या है मेरे बेटा, ये सोर्स वाउचर है कि जब कोई ट्रांजेक्शन में हम इन्वॉल्व हुए तो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होने से उस ट्रांजेक्शन के अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिक ही क्या है, वाउचर इंक्लूड हो गया, मतलब वाउचर उस ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है। बिना पे इन स्लिप के तुम खाते के अंदर पैसा जमा कर ही नहीं सकते, बात क्लियर हो गई नहीं हुई, तो इसे बोलते हैं मेरे बेटा क्या है, सोर्स वाउचर, क्लियर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाउचर होते हैं मेरे बेटा जी, जैसे अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी के आउटलेट पे जाओगे ना मेरे बेटा जी, कभी भी, चाहे लिवाइज हो, सिग्नेचर हो, है ना, प्यूमा हो, कोई भी हो, अरमानी हो, फरमानी हो, वेन हुसैन हो, किसी भी कंपनी के आउटलेट पे जाओगे, मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ, वो आपको एक बिल काट के देगा, डेफिनेटली एक बिल देगा, हाँ, है ना, क्योंकि उनका सिस्टम क्या कहता है कि अगर परचेजिंग हुई है, मतलब सब ग्राहक ने सामान खरीदा है और हमने सेल करा है, तो बिल काटो, बिल काट के दे दो। तो जैसे ही हम किसी बिजनेस में ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑटोमेटिक वो वाउचर क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स वाउचर, क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, सोर्स वाउचर। जबकि जबकि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग वाउचर जो होता है ना, ये हमारा अकाउंटेंट बनाता है, कौन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, क्योंकि अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी ने बता रखा है कि तू जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही खलबली होती है कि मैं कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सबूत, क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, सबूत। तो ये सबूत पैदा करता है, क्लियर ही नहीं है, इसे सबूत पैदा करने पड़ेगा, अगर सबूत नहीं है तो बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो ये हमारा अकाउंटेंट बनाता है, क्योंकि अकाउंटेंट को डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है, तो डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग करने के लिए उसे सबूत पैदा करने पड़ेंगे, सबूत बनाने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, मतलब वो वाउचर जो हमारी अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। ये आपको कह सर ये नहीं करते, बेटा ये तो करते ही करते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जहां पर ये वाउचर नहीं होते, या हमें ये तो होते, इनके अलावा अकाउंटिंग वाउचर भी बनाने पड़ते हैं। तो याद रखना मेरे बेटा जी, अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं ना मेरे बेटा जी, वो सोर्स वाउचर के बेस पर बनाए जाते हैं, ठीक है, किसके बेस पर, सोर्स वाउचर के बेस पर बनाए जाते हैं, क्लियर है ये, नहीं है बात समझ में आई, किसके बेस पर, सोर्स वाउचर के बेस पर बनाए जाते हैं, ठीक है।
दूसरी बात समझना मेरे बेटा जी, अकाउंटिंग वाउचर जो होता है इसे कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है ना। और उसमें किसी ऑथराइज पार्टी के साइन भी लिए जाते हैं, ऑथराइज पार्टी के साइन भी लिए जाते हैं, ऑथराइज पार्टी के साइन भी लिए जाते हैं। क्लियर ही नहीं है, जिससे वो पक्का वाउचर बन जाए। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा ऑथराइज पार्टी के कैसे साइन लिए जाते हैं, उसकी चिंता मत करो, इसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मेरा सेंटर AVSS जो था ना, वो पटेल नगर में था, तो पटेल नगर में सेंटर के बगल में एक टी वाले अंकल थे जो हमें चाय पिलाते थे, चाय, ठीक है ना। वो हमें 10 रुपए की एक चाय बेचा करते थे, और हम दिन की 10 चाय, मैं नहीं पूरी कंपनी, दिन की 10 चाय, 100 रुपए की चाय पी जाते थे। तो दिन की 10 चाय तो 30 दिन की, ठीक है ना, 3,000 रुपए की चाय पी जाते थे। अंकल जी हमारे पास आते थे और कहते थे, बेटा मेरा खाता क्लियर कर दो। खाता क्लियर करने का मतलब है, बेटा मेरे 3,000 रुपए बनते हैं, मेरे 3,000 रुपए दे दो। हम अंकल जी को कहते थे, लो अंकल जी 3,000 रुपए दो, लाओ अंकल जी हमें इन 3,000 का एक बिल दे दो। अंकल जी कहेंगे, यार मैं तो छोटा आदमी चाय वाला, मैं कहाँ से बिल बनाऊंगा, मैं ना रखता अपने पास कोई बिल विल। अब बताओ भैया, कंपनी ने तो खर्चा कर दिया, अब हमारी कंपनी में जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो भैया मैं क्या कहूंगा, अरे यार ये 3,000 का खर्चा कंपनी कर रही है, इस खर्चे को रिकॉर्ड तो करना है, इस खर्चे को डेबिट तो करना है। अब मैं डेबिट कैसे करूं, समझ में मेरी बात, इस खर्चे को डेबिट तो करना है, तो मैं डेबिट कैसे करूं, मेरे पे तो बिल ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि बिना एविडेंस के, बिना सबूत के तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बोला गया है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो भैया अकाउंटेंट क्या कहेगा, 3,000 का खर्चा हो गया, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो बेटा एक वाउचर होता है जिसे बोलते हैं डेबिट नोट, डेबिट नोट। मैं क्या करूंगा, मैं एक डेबिट नोट बना दूंगा, क्या बना दूंगा, एक डेबिट नोट, 3,000 रुपए टी एक्सपेंस, ठीक है ना, 3,000 रुपए टी एक्सपेंस। और उस डेबिट नोट पे मैं चाय वाले अंकल के क्या ले लूंगा, साइन ले लूंगा, मतलब ऑथराइज पार्टी के साइन ले लिए या अंगूठा लगवा लिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो वो क्या हुआ, वो डेबिट वाउचर क्रिएट हो गया। बोलो हाँ है ना, ऑथराइज पर्सन के साइन करने से सोर्स मिल गया मुझे। क्लियर ही नहीं है? इसे बोलते हैं मेरे बेटा अकाउंटिंग वाउचर। अब ये खर्चा मैंने बना दिया, अब मैं इसके बेस पर अकाउंटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे अंकल जी के साइन है, डेट है, सब कुछ है। बात क्लियर हो गई? ये होता है मेरे बेटा जी क्या, अकाउंटिंग वाउचर। तो बेटा एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है तुम्हारा अकाउंटिंग वाउचर। क्लियर ही नहीं है? इसके फीचर ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, बहुत आसान फीचर है, अपनी बुक से पर पढ़ के जरूर देखना, ना आए तो मुझे बता देना। फिर बात आती है कि अकाउंटिंग वाउचर में, सुनते रहना, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अकाउंटिंग वाउचर कितने तरीके के होते हैं, बोलो। अकाउंटिंग वाउचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग वाउचर कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा पहले वेरिएंट, अकाउंटिंग वाउचर दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं मुन्ना, दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा कैश वाउचर, एक होता है तुम्हारा कैश वाउचर, और एक होता है तुम्हारा नॉन कैश वाउचर। क्या होता है बेटा जी, नॉन कैश वाउचर। एक होता है तुम्हारा कैश वाउचर, नॉन कैश। तो देखो नॉन कैश के बारे में मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी गणित पता क्या कहता है, जहां पर जो कैश वाउचर है वो कैश वाउचर है, जो कैश वाउचर नहीं होते ना वो ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर होते हैं। ये बात हमेशा समझ के चलना, क्लियर है। एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। भैया कैश वाउचर में इसमें दो वेरिएंट आ जाते हैं, एक और दो। इसमें आ जाता है एक क्रेडिट वाउचर, और एक होता है बेटा जी डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर और एक होता है डेबिट वाउचर। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर, तो बेटा देखो ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों को जनरल आता है ना उन्हें बड़ी दिक्कत होगी, ये मैं बता रहा हूँ, उन्हें लगेगा अरे क्या उल्टा पढ़ा रहे हैं, उल्टा नहीं है, सीधा ही है। देखो क्रेडिट वाउचर ये कब बनता है, व्हेन कैश रिसीव्ड, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, व्हेन कैश रिसीव्ड। और डेबिट वाउचर कब बनता है, व्हेन कैश पेड, जब तुम कैश में पैसा लोगे तो क्रेडिट वाउचर, और जब तुम कैश में पैसा दोगे तो डेबिट वाउचर।
भैया ये तो उल्टा सा हो रहा है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब पैसे का आना तो डेबिट होता है। देखो जसमीत, देखो डेबिट और क्रेडिट, वैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरे बेटा, लेकिन याद रखना एक रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन अकाउंट का एक नियम है बेटा, तुम्हें सिखाऊंगा चिंता मत करना बेटा। और एक नियम होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब अगर पैसा आता है ना, अगर पैसा आता है तो हम करते हैं डेबिट, और अगर कुछ जाता है तो करते हैं क्रेडिट। तो बच्चे कई बार सोचते हैं भैया कैश आ रहा है, कैश का आना तो डेबिट होता है, और कैश जा रहा है, कैश का जाना तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाउचर बनना चाहिए ना, और ये डेबिट डेबिट वाउचर बनना चाहिए। उल्टा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा मेरे बेटा जी, बात क्लियर। जब कैश आएगा तो तुम क्रेडिट वाउचर बनाओगे। क्रेडिट वाउचर मतलब एक तरीके से क्रेडिट वाउचर के अंदर ना, ये मान के चलो क्रेडिट वाउचर के अंदर कुल मिलाकर तुम क्या लिखोगे कि कैश आया ठीक है ना, और किसके कारण आया उसका नाम लिख दोगे। जैसे कि तुमने गुड्स सोल्ड करा कैश में, या तुमने अपने डेटर से पैसा लिया, या तुम्हें कुछ भी कमीशन मिला, हाँ है ना, रेंट मिला, सैलरी मिली, पैसा आ रहा है, बात खत्म। तो पैसा आया किसके कारण आया, क्रेडिट वाला आइटम। तो हम ये जो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं ना, ये कैश वाउचर बोलते, मतलब है तो कैश वाउचर, लेकिन ये अपने क्रेडिट आस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि कैश आ रहा है किसके कारण, क्रेडिट आस्पेक्ट क्या है। मतलब कैश आ रहा है गुड्स बेचने थे, तो सेल करना हमारा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है। या पैसा जा रहा है क्रेडिट है जो हो रहा है किसके कारण, डेबिट, डेबिट डेबिट किसके कारण, ये है मेन लॉजिक। ये रीजन के ऊपर है, कुल मिलाकर रीजंस के लिए बनते हैं वाउचर, कि कैश आया इसके कारण क्रेडिट, कैश गया इसके कारण डेबिट, ये मेन लॉजिक है। इसके अलावा जो कुछ बच जाए क्रेडिट वाउचर कैश डेबिट वाउचर के अलावा, वो सब नॉन कैश वाउचर है, सब नॉन कैश वाउचर है। अब आ जाओ मैं थोड़ा सा तुम्हें और बता देता हूं। इधर देखो वाउचर में कितने तरीके के, कोई पूछेगा तुमसे कि टाइप कौन कौन से वाउचर्स, मतलब थोड़े से वेरिएंट्स बताओ वाउचर के अंदर। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, अगर आप मुझे फीस देते हो तो मेरे यहाँ पर नॉर्मली पता क्या होता है, अगर बच्चा मुझे फीस देता है ना, तो नॉर्मली मैं क्या कट करता हूँ, मैं रिसिप्ट कट करता हूँ। रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर मैं ये लिखता हूँ कि मुझे, मैं बच्चे का नाम लिख देता हूँ, जैसे रिसिप्ट फ्रॉम वैष्णवी तायल अमाउंट ₹5,000 इन वर्ड्स 5,000, मतलब डिजिट में भी और फॉर्म में भी 5,000, और अपने साइन करके देता हूँ, और उसके ऊपर कंपनी का नाम छपा हुआ होता है हमारा, क्लियर। दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है कि हम ये प्रूफ करते हैं कि हमें तुमसे पैसा मिला, और एक को उसकी ओरिजिनल कॉपी हम बच्चे को दे देते हैं या पेरेंट्स को दे देते हैं, और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखते हैं। तो रिसीट से क्या पता लगता है कि कितना पैसा आया, रिसीट कॉलम। ये क्या है, ये एक सोर्स वाउचर है। अब इसके बेस पर, ठीक है ना, इसके बेस पर पैसा आ रहा है ना, तो तुम इसके बेस पर क्या कर सकते हो, क्रेडिट वाउचर बना सकते हो चाहो तो, और ना चाहो तो मत बनाओ, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है ना। ये सोर्स वाउचर है, इसके बेस पर तुम क्या बना सकते हो, क्रेडिट वाउचर बना सकते हो। कैश वाले वाउचर में क्रेडिट वाला वाउचर, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आने में क्रेडिट वाउचर बनता है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो एक और कौन सा होता है, एक होता है कैश मेमो। कई लोग कैश मेमो काटते हैं। अब कैश मेमो क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि कैश मेमो होता कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये बुक है, ये तुम्हारी 11th क्लास की बुक है, अब मैं लेकर आया, मैंने कोई पक्का वक्का बिल तो लिया नहीं सामने वाले बंदे से, मैंने बोला भैया छोटे फुटे छोटा सा एक बिल दे दे, तो उसने क्या करा, छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी पर्ची होती है, टेक्निकली लोग तो कैश मेमो का बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन मतलब अगर तुम देखते हो ना जो लोग ऐसी कैश मेमो देते हैं तो वो फर्जी है। टेक्निकली कैश मेमो क्या होता है, उसके ऊपर जिस कंपनी का, जो कंपनी तुम्हें कैश मेमो दे रही है उसका नाम वगैरह सब लिखा होता है, बिल्कुल रिसीट की तरह होता है। और उसके अंदर क्या होता है बेसिकली उसके अंदर कैश मेमो में क्या होता है, कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। जैसे मैं अब गया, मैंने अपनी ये बुक बनवाई दुकानदार से, ठीक है, तो उसके कैश मेमो पे उसका नाम लिखा हुआ था, ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ होगा, और वो लिख देगा कि बुक प्रिंटेड
इतनी क्वांटिटी इतनी अमाउंट टोटल इतना अमाउंट ऐसे लिखेगा, मतलब मैंने क्या खरीदा, कितना खरीदा, किस रेट पे खरीदा, टोटल मेरा कितना हो गया, वो सब पता रहता है। और अपना वहां लिखेगा, मतलब कैश मेमो में ना खरीदार कौन है, खरीदार कौन है उसका नाम मेंशन नहीं होता मेरे बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बातों को। मतलब एक बंदा है परचेजर, ठीक है ना, और एक बंदा है सेलर। तो परचेजर ने क्या करा, सेलर से कैश में सामान खरीदा, मतलब सामान खरीद लिया, हैंड टू पैसे दे दिए परचेजर ने, और इसने क्या करा, बदले में कैश मेमो दे दिया। कैश मेमो का मतलब होता है कि ये लिख देगा कितना खरीदा, क्या रेट था, क्वांटिटी क्या थी, टोटल अमाउंट। परचेजर का नेम यहां पर मेंशन नहीं होता, बस एक एक तरीके से इसको एक ऐसा सबूत दे देगा कि जिसके भी आप पे ये अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर कैश मेमो। और लोग अगर तुम कभी किसी दुकानदार के पास जाते हो ना, वो तो पता नहीं कैश मेमो भी फर्जीवाड़ा वाला देते हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं भैया रिसिप्ट में भी पैसा आ रहा है तब भी रिसिप्ट दे रहे हैं, कैश मेमो भी हम कब देते हैं, जब पैसा आ रहा होता है तब भी देते हैं। तो बेटा दोनों में अंतर पता क्या है, ये गुड्स के केस में आता है नॉर्मली, और ये सर्विसेज के केस में आ जाता है नॉर्मली। जैसे मैं तो तुम्हें सर्विसेज देता हूँ ना मेरे बेटा जी, तो सर्विसेज में रिसिप्ट चलती है और गुड्स के अंदर कैश मेमो चलता है। बात क्लियर हो गई। एक मैंने तुम्हें बता दिया पे इन स्लिप, पे इन स्लिप जब भी तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो ये बिना भरे काम चलेगा ही नहीं। एक होता है मेरे बेटा जी इनवॉइस। देखो जी इनवॉइस या ऑब्लिक बिल, इसे टैक्स इनवॉइस भी कह सकते हो, ठीक है, ये एक्चुअल में एक पक्का बिल होता है। क्या होता है मेरे बेटा, एक्चुअल में एक पक्का बिल होता है मेरे बेटा जी। भैया पक्का बिल क्या मतलब, इसमें बकायदा जब तुम परचेज करते हो तो सेलर सेल करता है ना, तो सेलर तुम्हें इनवॉइस काट के देगा। सेलर इसमें अपना भी नाम लिखता है, तुम्हारा भी नाम लिखेगा, क्या सामान खरीदा, कितना खरीदा, किस रेट पे खरीदा, टोटल बिलिंग कितने की हुई, उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, सब कुछ मेंशन करता है उसमें, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करता है। और अगर तुम भी मतलब एक तरीके से टैक्स वाले सप्लायर हो और ये भी टैक्स वाला सप्लायर है, तो इसमें तो एक ना हमें टैक्स नंबर मिलता है बेसिकली, जैसे जीएसटी नंबर वगैरह मिलता है, तो उसके अंदर तो फिर ये अपना भी जीएसटी नंबर मेंशन करता है उस बिल के अंदर, और इसका भी जीएसटी नंबर मेंशन करता है, जिससे ये टैक्स का रिफंड ले पाए, जीएसटी का रिफंड ले पाए इनवॉइस के बेस पर। पक्का बिल उसे ही कहते हैं जिसमें टैक्स लिखा हुआ होता है। तो ये होता है इनवॉइस और बिल, पे इन स्लिप मैंने बता दिया। एक मैंने आपको बताया डेबिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सर ये डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और डेबिट और क्रेडिट नोट एक ही होते हैं बेटा? देखो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर ये अलग है, वो कैश वाले वाउचर का पार्ट हो गए, लेकिन ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट बिल्कुल अलग है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बिल्कुल अलग है। हालांकि डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूंगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको तो पहले से क्लियर है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। इसमें एक बात और बता दो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अलावा चेक, चेक भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट मुझे फीस पेमेंट करता है वाया चेक, तो बेटा मैं पता है उसे क्या करता हूँ, मैं उस चेक को बैंक में जमा कराने से पहले या तो हम उसकी फोटो कॉपी अपने पास रखते हैं, या उसकी फोटो खींच लेते हैं, या फिर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बकायदा बच्चे के अकाउंटिंग करते वक्त वहां पे मोड लिखते हैं हम। किसी बच्चे की जब भी फेस आती है हमारे पास तो मोड मेंशन करते हैं कि पेटीएम बैंक में डाला पैसा, पेटीएम वॉलेट में डाला है उसने पैसा, हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर पैसा डाला है, या बच्चे ने हमें कैश दिया है, या बच्चे ने जो है हमें चेक दिया है, चेक दिया है तो चेक नंबर हम मेंशन कर देते हैं। क्लियर ये नहीं है? और क्या कर सकते हैं, ये चेक अगर पैसा आ गया होगा तो हमारी पासबुक में दिखेगा, तो हम अपने चेक नंबर से मेंशन कर देंगे, हाँ देखो इस चेक का पैसा हमें मिल गया है, ये देखो बैंक में है। क्लियर ही नहीं है? और अगर यहाँ पे लिखोगे ना वो चेक बाउंस हो गया है, तो बैंक वाले भी चेक नंबर लिख देंगे फलाना चेक बाउंस हुआ है, तो हम कहेंगे ओहो इस चेक का पैसा तो आया ही नहीं है, बल्कि चेक नंबर क्या दिखा रहा है, बाउंस दिखा रहा है। तो चेक नंबर को क्रॉस वेरीफाई करने से पता लग जाता है कि पैसा आया है या वो बाउंस हुआ है। बात क्लियर हो गई? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं बात करूं तुमसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट की, ठीक है। तो बेटा देखो
मैं थोड़ी सी कहानी दोबारा से वही बनाऊंगा, हालांकि ये कहानी ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपके आगे कवर अप कर देता हूं इस वाली पूरी कहानी को। देखो बेटा, मान लो बेटा, इसका नाम है कट्टू। और इसका नाम है अट्टू, ठीक है ना, कट्टो अट्टू। अब मान लो कट्टो ने अट्टो को गुड्स बेचा, गुड्स बेचा। सपोज कितने रुपए का बेचा बेटा गुड्स? 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, बट अभी रुपए नहीं लिए। कट्टो ने अट्टो को गुड्स बेचा बट अभी रुपए नहीं लिए, अभी रुपए लेना बाकी है। तो देखो कट्टो की तो क्या होगी, सेल, क्योंकि ने गुड्स बेचा, इसे रुपए लेने हैं। तो अट्टो, जो अट्टो है ना, वो इसके लिए क्या बनेगी, डेटर बनेगी। क्या बनेगी मेरे बेटा जी? डेटर बनेगी, डेटर। कि भैया अट्टो तू मेरी डेटर है, मुझे तुझसे रुपए लेने हैं 10,000 रुपये। और बेटा याद रखना, डेटर हमेशा क्या होता है, तुम्हें पता है, डेबिट होता है। डेबिट होता है, डेबिट कि पैसा लेना है, मिला नहीं है। और अट्टो की क्या हो जाएगी, परचेस। अट्टो की हो जाएगी परचेस, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना। और ये क्या करेगी, ये बोलेगी कि मुझे पैसा देना है, किसको, कट्टो को। और कट्टो इसके लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर। जिन लोगों से हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर हैं, और जिनको हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर हैं। लेने हैं डेटर, देने हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर होती है हमारी लाइबिलिटी, पैसे देने हैं। इन्हें क्रेडिट कर दिया होगा 10,000 रुपये। अट्टो बोलेगी मुझे रुपए देने हैं कट्टो को। बात क्लियर हो गई? लेकिन मान लो मेरे बेटा जी कि अट्टो को ना कुछ माल पसंद नहीं आया, अट्टो को कुछ माल पसंद नहीं आया। सपोज कितने रुपए का, सपोज 2,000 रुपए का माल पसंद नहीं आया अट्टो को। अट्टो ने क्या करा, 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए वाला माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया। तो बेटा देखो, दिमाग लगाना, परचेस करा हुआ माल वापस कर देना क्या कहलाता है, ये मैंने बताया था ना, परचेज रिटर्न कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। परचेज करो वह माल वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। क्लियर है ये? नहीं है, ठीक है। और ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी सेल करो वह माल इसका वापस आ गया, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्लियर है? परचेज करो वह माल वापस कर दिया, परचेज से माल आ रहा है, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं हम इसे। सेल करो, अब कट्टो बन के सोचो, सेल करो माल वापस आ गया, वापस आ गया, यानी कि सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया। तो ये बात आप भी जानते हो कि क्या अभी भी अट्टो को 10,000 रुपए देने हैं? आप कहोगे नहीं भैया, 10,000 में से उसे 2,000 का तो माल ही वापस कर दिया, अब तो इसे 8,000 रुपए देने हैं। देने ना मेरे बेटा जी? हाँ। और क्या सेल मतलब कट्टो को अभी भी 10,000 रुपए लेने हैं? आप कहोगे नहीं भैया, 10,000 में से उसके पास तो 2,000 का माल वापस ही आ गया, उसे भी 8,000 लेने हैं। मतलब देने वाले को 8 देने, लेने वाले को भी तो 8 देने हैं, बोलो आइए ना। अगर हमें देने 8 है तो लेने भी तो 8 है, सही बात है। डेटर की बुक में क्रेडिटर और क्रेडिटर की बुक में डेटर सेम अमाउंट होता है मेरे बेटा जी। कट्टो की बुक में अट्टो और अट्टो की बुक में कट्टो सेम अमाउंट होगा। अट्टो को देने 8 है तो कट्टो को लेने भी 8 है। तो इसमें क्या होगा, समझ ना, कहानी कहानी की बात यहीं पर ही आ रही है। जैसे प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हो ना मेरे बेटा, ऐसे डेबिट को हटाने के लिए करते हैं क्रेडिट, और क्रेडिट को हटाने के लिए करते हैं डेबिट, उल्टा कर देते हैं मेरे बेटा जी। तो बेटा देखो, अट्टो बोलेगी कि मैंने तुम्हें क्रेडिट कर रखा था क्योंकि मुझे रुपए देने हैं, तुम मेरे क्रेडिटर हो, क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, इनकी लाइबिलिटी होते हो तुम मेरी। और क्रेडिट को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगी तुम्हें, मैं डेबिट कर दूंगी तुम्हें। क्या कर दूंगी मेरे बेटा जी? डेबिट। तो अट्टो जब ना, अट्टो क्या करेगी, अट्टो अपनी किताब में, अपने खाते में, अट्टो अपने खाते में कट्टो क्या करेगी, डेबिट करेगी ना। तो वो क्या बनाएगी, डेबिट नोट बनाएगी। क्या बनाएगी मेरे बेटा जी? एक डेबिट नोट कि भैया मैंने तुम्हें अपने खातों में डेबिट कर दिया है, और डुप्लीकेट फॉर्म में बनाएगी, एक अपने पास रखेगी, और जब माल भेजेगी ना तो साथ में एक डेबिट नोट भी भेजेगी इसे। तो यानी कि ये बंदी जो है ना, इस बंदी को साथ साथ में क्या देने वाली है, डेबिट नोट देने वाली है, माल के साथ डेबिट नोट भी भेजेगी कि
कि देखो मैंने तुम्हें अपने खाते में डेबिट कर दिया है। अब जब इसे डेबिट नोट मिलेगा कट्टो को और गुड्स वापस मिलेगा, तो ये बोलेगी कि मैंने तुम्हें पहले डेटर बना के डेबिट कर रखा था कि मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, लेकिन अब मुझे 10 में से 2,000 घटाने हैं, तो डेबिट में से घटाने के लिए क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो जब ये क्रेडिट करेगी ना, कट्टो अट्टो को क्रेडिट करेगी, तो ये बनाएगी क्रेडिट नोट और एक कॉपी अपने पास रखेगी और दूसरी कॉपी इसको भेज देगी अट्टो को। तो यानी कि डेबिट नोट वाला मतलब अदल बदल करेंगे डेबिट नोट, इसे बोलते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पर ही बनते हैं। और एक तो मैंने आपको चाय वाले अंकल का एग्जाम्पल दिया ही था, बात क्लियर होगी नहीं होगी। मतलब कहीं पर भी जहां एविडेंस बेस नहीं हो सकता वहां डेबिट और क्रेडिट नोट सेल्फ सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करना पड़ जाता है, जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन होने जरूरी है। जैसे कि डेबिट नोट में अट्टो के साइन और क्रेडिट नोट में कट्टो के साइन, और दोनों आपस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट को एक्सचेंज करेंगी। क्लियर है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है पूरे वाउचर में, पढ़ लेना। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.